बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी की एक बैठक प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में बुलाई गई। बैठक में कार्यकारिणी एवं सलाहकार समिति के सदस्यों के अलावे सांसद, विधायक, विधान परिषद, सभी वर्तमान और पूर्व, साथ ही कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बैठक में मौजूद थे। बता दें कि बैठक की अध्यक्षता बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने किया। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, बिहार प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य बता दें चार महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रखा गया था। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती समारोह 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। साथ ही 2 अक्टूबर से सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाएगी। कांग्रेस सदस्यता अभियान को घर घर तक पहुँचाने की पहल की जाएगी। पटना से राजेश कुमार की रिपोर्ट। से बातचीत हुई थी और उसको स्टेट में क्रियान्वयन करने का, लागू करने की बात कही गई। पहला था जो महात्मा गांधी जी का 150वीं जयंती, जिसको कि यहाँ 2 अक्टूबर को करना है मोतिहारी में। आप जानते हैं गांधी जी का जन्मभूमि जहाँ भी रहा हो, लेकिन कर्मभूमि उनका बिहार रहा है और वो भी चंपारण से। इसलिए हम लोग चंपारण से उसकी शुरुआत करेंगे और 3 से 9 तक जिला अध्यक्ष अपने सुविधानुसार उस कार्यक्रम को करेंगे। दूसरा पॉइंट था सदस्यता अभियान, जो कि अभी चल रहा है, लेकिन 2 तारीख को थे उसको गति देनी है और हरेक सीनियर लीडर अपने अपने गांव के अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाके उसकी शुरुआत करेंगे। तीसरा है ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि केंद्रीय नेतृत्व से शुरू हुआ है और पटना से होते हुए जिला से लेते हुए प्रखंड तक जाएगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा।